आपकी एक गलती बच्चों में ला सकती है गंभीर बीमारियां। जी हाँ साथियों, आपने थंबनेल में बिल्कुल सही पढ़ा। मैं यह क्यों कह रहा हूँ इसे जानने के लिए आपको आज का वीडियो अंत तक देखना बहुत आवश्यक है। जल ही जीवन है, यह लाइन हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, पर आज हमने इस लाइन को अपने गलत हैबिट्स के कारण बदल दिया है। माँ प्रकृति द्वारा दिए गए उस शुद्ध जल को आज हमने जहर के समान बना दिया है। आपका परिवार भी तो कहीं इस जहर का शिकार तो नहीं हो रहा? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ इसे जानने के लिए आज का वीडियो पूरा जरूर देखें। मैं हूँ आपका दोस्त प्रशांत एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्राई हेल्दी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप साफ पानी पीते हैं, आप कहेंगे हाँ, इसमें कौन सी पूछने वाली बात है, हम तो रोज साफ और फ्रेश पानी पीते हैं। पर आप उस पानी को किस कंटेनर में पीते हैं, या यूं कहूँ किस पात्र में पीते हैं? आप में से अधिकतर लोग का आंसर होगा प्लास्टिक के बॉटल्स में। साथियों, अगर आप भी प्लास्टिक के बॉटल्स में पानी पी रहे हैं तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इसे आज ही अपने घर के डस्टबिन में डाल दें, क्योंकि आप इसमें पानी नहीं बल्कि माइक्रोप्लास्टिक और हार्मफुल केमिकल्स को पी रहे हैं। ये यूं कहूँ आप धीमा जहर स्लो पॉइजन ले रहे हैं। आपके शरीर के अंदर जाकर यह धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। अगर हम अपना ध्यान अपने शरीर की ओर केंद्रित करें तो हमें यह पता चलेगा कि हमारा पूरा शरीर 60-70% तक पानी से बना हुआ है। और अलग अलग ऑर्गन के अनुसार अगर हम एक आंकड़ा देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ब्रेन है वो 75% वाटर कंटेन करता है, आपका हार्ट 79% वाटर कंटेन करता है, आपकी हड्डियाँ 22% वाटर कंटेन करता है, आपका लीवर 85% वाटर कंटेन करता है, आपका किडनी और लंग्स 83% वाटर कंटेन करते हैं। जरा सोचिए, आपके इतने ऑर्गन्स, आपका पूरा शरीर केवल और केवल अधिकतम पानी से ही बना हुआ है। तो सोचिए साथियों, उस पानी की क्वालिटी को मेंटेन करना कितना आवश्यक है। जैसे पानी की क्वांटिटी कम होने से शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, छाले होते हैं, यही छाले आगे चल के अल्सर और बड़े रूप में कैंसर का रूप ले लेते हैं। ठीक वैसी ही उस पानी की क्वालिटी में भी यदि कमी आती है तो हमारे शरीर के लिए यह काफ़ी नुकसानदायक है। मैं क्यों प्लास्टिक बॉटल्स यूज़ करने के लिए मना कर रहा हूँ, इसके लिए आपको इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट के बारे में जानना बेहद आवश्यक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आगे भी आपके लिए इसी प्रकार की वीडियोस बनाते रहें। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक बॉटल्स एक खास तरह के केमिकल BPA यानी बिस्फेनॉल ए, इस नाम को आप याद रखें साथियों, इसी से ही यह जो बॉटल्स हैं वो बने होते हैं। जब आप इसमें गर्म पानी या गर्म तापमान जब इस बॉटल को मिलता है तो यही केमिकल पानी में घुलना शुरू हो जाता है और उस केमिकल के साथ माइक्रोप्लास्टिक के कण भी उस पानी के अंदर चले जाते हैं, या यूं कहूं उसमें मिक्स हो जाते हैं, जिससे इसका असर, मतलब इस पानी को अगर हम पी रहे हैं, इस हार्मफुल केमिकल, इस माइक्रोप्लास्टिक वाले पानी को, तो इसका असर हमें तुरंत तो नहीं परंतु कुछ महीने या कुछ सालों बाद दिखना शुरू हो जाता है। जैसे बच्चों में हार्ट का कमज़ोर होना, पाचन से जुड़ी समस्या, बड़ों में जोड़ों का दर्द, कुछ खाने की इच्छा ना होना, उल्टी जैसा लगना, बार बार चक्कर का आना, और यदि हम इसे नज़रअंदाज करते हैं तो यही आगे चल के कैंसर जैसी घातक बीमारी को जन्म दे सकता है। हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के एक अध्ययन के अनुसार यह देखा गया है कि जिन प्रतिभागियों ने पॉलीकार्बोनेट के बॉटलों में पानी का सेवन किया है उनके यूरिन में BPA केमिकल की मात्रा अधिक रूप में पाई गई है और यह काफ़ी डेंजरस है। साथियों, हमारे पहले के लोग इसलिए पानी की मात्रा और उसे किस पात्र में रखकर पीना है इसका विशेष ध्यान रखते थे, पर शायद आज हम अपने बच्चों की हैबिट्स को बिगाड़ रहे हैं। घर में कोल्ड ड्रिंक्स की खाली बॉटल्स को डस्टबिन में न डालकर और इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि आप देखेंगे उस प्लास्टिक के बॉटल या यूं कहूँ उस कोल्ड ड्रिंक के बॉटल में लिखा होता है कि यह केवल सिंगल यूज है। हम रेलवे स्टेशन जाते हैं, अपना खुद का पानी बॉटल नहीं रखते, फिर हम प्लास्टिक की बॉटल्स खरीदते हैं। और सोचिए साथियों, उस प्लास्टिक की बॉटल्स को केवल यहीं तक नहीं, आपके हेल्थ के लिए नहीं बल्कि आज के डेट में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन प्लास्टिक से ही हो रहा है। आप इसे फेंक देते हैं, इसे गाय खाती है, वो बीमार पड़ते हैं। इस बॉटल्स को उस एरिया के
गरीब बच्चे उठाते हैं और उसमें वो उस पानी को पीते हैं, तो उनका भी हेल्थ साथ साथ जा रहा है। अगर हम देखें, यह प्रॉब्लम केवल बड़े सिटीज में नहीं बल्कि टायर 2 टायर 3 सिटीज में भी यह प्रॉब्लम काफी बड़ा रूप ले चुका है। क्योंकि आज आप देखें, चाहे मजदूर वर्ग के लोग हो गए या उनके बच्चे हो गए, अक्सर आप देखेंगे कि वही कोल्ड ड्रिंक्स के पुराने बॉटल्स में ही वो पानी पीते हैं। तो सोचिए साथियों, आज डायबिटीज, कैंसर या बीमारी क्यों इतनी बढ़ रही है? क्योंकि हम खुद अपने हैबिट्स को बिगाड़ रहे हैं। हमने प्रॉब्लम्स तो देख लिया, पर इसका सॉल्यूशन भी है। इसका सॉल्यूशन है कि हमें प्लास्टिक बॉटल्स के अल्टरनेटिव में जाना पड़ेगा। तो प्लास्टिक बॉटल के अल्टरनेटिव क्या क्या हैं? जैसे स्टेनलेस स्टील्स के बॉटल्स, मिट्टी के बॉटल, कॉपर के बने हुए बॉटल या प्लांट बेस्ड बॉटल, जो आज के डेट में बहुत आ रहे हैं। इसे यूज़ करें, जो आपके बच्चों के हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है और आपके हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। कुछ बॉटल्स के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जिसे आप जाकर चेक कर सकते हैं। उम्मीद है आप सभी आज ही अपने घरों से प्लास्टिक बॉटल्स को बाहर करेंगे और अपने परिवार को इससे होने वाली घातक बीमारियों से बचाएंगे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर जरूर करें और नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए ट्राई हेल्दी। आपका दिन शुभ हो।